Welcome back to Acme Classes Simply Science, one-stop shop where you can understand even the most difficult concepts of science in very simple terms at the level of class 10. As you may have gone through our videos before, in part one of the series we discussed the basics of chemistry, valence electrons, valency, atomic numbers, so on and so forth. In part two of the series we discussed in great depth the types of ion bonds, ionic bonding and covalent bonding, and why do chemical reactions occur. Now, from part 3 to part 7 of the series, in every part we will discuss every type of a chemical reaction given in class 10th syllabus for the current year. So let's begin. So we start part 3 of the series with combination reactions. Combination ka matlab kya hai? It just simply means to combine. Do cheezo ko combine karna aur usse badi cheez banana. So combination reaction is that chemical reaction in which two or more substances combine to form a single substance, obviously under special or suitable conditions. Combination reactions are also known as synthesis reactions because you synthesize, you create a new product. So let us take a few examples to understand in great depth what are the various types of combination reactions. So in this part of the video series, we'll discuss the following five chemical reactions and discuss in depth how each reaction occurs so that you do not have to mug up. Ratta marne ki zarurat nahi hai, samajh ke kariye, aram se samajh mein aayega. Let's begin. So magnesium reacts with oxygen. Ab bache mostly kya karte hain, books kholte hain, Mg plus O2 MgO. Simple likh ke chhod dete hain and that is it. Aise ratta marenge to kuch nahi samajh mein aayega. So let's begin. क्लास 9th में आप यू रिमेम्बर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया होगा. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में वैलेंसीज का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था. व्हाट आर वैलेंसीज पार्ट 1 में देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे. सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन. मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 1 है. अगर आप मेरा कर्सर को फॉलो करें, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है. अब इसमें कॉमन फैक्टर 2 है, कॉमन फैक्टर को क्रॉस आउट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो 1-1 बचेगा. एज पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आने 9th, अगर आपको याद हो तो मैग्नीशियम के साथ 1 अटैच होगा और ऑक्सीजन के साथ 1, तो Mg1O1 विल बी द कंबाइंड फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब 1 लिखने की जरूरत नहीं तो हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO ही लिख देते हैं. अब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमने वैलेंसीज की हेल्प से डिटरमिन किया. बट क्या नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑफ द इक्वेशन इक्वल है? और क्या होने चाहिए? आंसर इज होने चाहिए हमेशा, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शंस, एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दे आर ओनली क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन. अब क्लास 10th में न्यूक्लियर रिएक्शंस तो पढ़ नहीं रहे, तो हमें इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट साइड. सो एज यू कैन क्लियरली सी, लेफ्ट साइड पे 1 मैग्नीशियम है, राइट साइड पे 1 मैग्नीशियम है. मैग्नीशियम तो बैलेंस है, बट वॉट अबाउट ऑक्सीजन? लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन है और राइट साइड में 1 ऑक्सीजन है, क्या ये बैलेंस्ड है? डेफिनेटली नॉट. तो क्या केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की जरूरत होती है? मोस्ट सर्टेनली यस. अगर आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं लिखेंगे, चाहे आपने करेक्ट ही क्यों ना लिखा हो, तो आपको 0 मार्क्स मिलते हैं. सो Mg plus O2 gives MgO. ये तो हमने बेसिक केमिकल रिएक्शन जो फॉर्मुलेट किया था वहां से डिटरमिन कर लिया. कैन सी लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन 2 है, राइट साइड पे ऑक्सीजन 1 है, तो बैलेंस कैसे करेंगे? ये जो भी बैलेंसिंग होती है ये प्रीफिक्स एरिया में होती है. प्रीफिक्स मतलब फॉर्मूले से पहले लिखा जाता है, फॉर्मूले के पैर मतलब सबस्क्रिप्ट में कभी नहीं लिखते. बैलेंसिंग करने के लिए सबस्क्रिप्ट में लिख ही नहीं सकते, बिकॉज वो बैलेंसीज पे डिपेंड करता है. और हमने अभी देखा है कि मैग्नीशियम के साथ 1 अटैच होगा, ऑक्सीजन के साथ 1, तो ऑक्सीजन के पैर में 2 नहीं लिख सकते. प्लीज ये सबस्क्रिप्ट में नंबरिंग कभी चेंज नहीं करनी, वो बैलेंसिंग पे डिपेंड करती है. नंबरिंग चेंज करनी है तो प्रीफिक्स एरिया में नंबर चेंज करेंगे, सबस्क्रिप्ट एरिया में नहीं. सबस्क्रिप्ट वो नंबर है जो पैर में लगता है. अब ये ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट 2 है, मैग्नीशियम का सबस्क्रिप्ट 1 है, बट मैग्नीशियम का प्रीफिक्स 2 है यहाँ पर. तो प्रीफिक्स वैल्यू पहले लगती है, सबस्क्रिप्ट वैल्यू पैर में लगती है, और सबस्क्रिप्ट वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते.
बैलेंस करने के लिए। तो अब हमने मैग्नीशियम के सामने 2 लिखा, 2 क्यों लिखा, बिकॉज ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है, 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 है, तो 2 अब मैग्नीशियम के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे अब राइट साइड पे ऑक्सीजन 2 है, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन 2 है, लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों में 2 ऑक्सीजन होने के कारण ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। तब क्या हुई, मैग्नीशियम पहले 1-1 थे, अब यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गया, 2 होने से अब मुझे यहाँ पर भी मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए क्या इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, 2 मैग्नीशियम ऑन द लेफ्ट साइड, 2 मैग्नीशियम ऑन द राइट साइड, 2 ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट साइड, 2 ऑक्सीजन ऑन द राइट साइड। प्रोसीडिंग फर्दर, अब लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन का क्या रिएक्शन होगा, एज यू कैन सी फॉलो माय कर्सर, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है। अगर आपको पता नहीं वैलेंसीज कहाँ से आई, प्लीज वीडियो 1 को देखिए दोबारा से, और अगर नहीं देखा तो उसको पहले देखिए उसको बाद में, बिकॉज अदरवाइज लिंक फॉर्मेट अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। सो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है। अब वैलेंसीज क्या होती हैं, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आई वुड रिफर यू टू वीडियो नंबर 1 ऑफ द पार्ट 7 सीरीज विद व्हिच क्लियरली इट हैज बीन डिफाइंड एंड एक्सप्लेन्ड इन ग्रेट डिटेल। सो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, क्लोरीन का वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब क्या ये बैलेंस्ड है, एब्सोल्युटली नॉट। हाइड्रोजन क्लोराइड को यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन था, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, तो बैलेंस करने के लिए मुझे प्रीफिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबस्क्रिप्ट में हम कभी नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, और एज अ रिजल्ट यहाँ पे 2HCl हो गया। 2HCl लिखने से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऑन द राइट साइड, 2 हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट साइड, 2 क्लोरीन ऑन द लेफ्ट साइड, 2 क्लोरीन ऑन द राइट साइड, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब इक्वेशन हम लर्न रट्टा भी मार सकते हैं, मगअप भी कर सकते हैं, H2+Cl2HCl, बट उसका कोई पॉइंट नहीं है। एग्जाम में अगर जरा सा चेंज आ गया, यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ केमिकल रिएक्शन। सो इट इज बेस्ट टू रिमेंबर द वैलेंसीज। अब वैलेंसी चार्ट आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन में अपलोड किया है, उसको देख लीजिएगा, आपको मोस्ट कॉमन वैलेंसीज की हेल्प मिल जाएगी जो आपकी क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लर्न करने की जरूरत है। सो प्रोसीडिंग फर्दर, सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम एंड क्लोरीन। नाउ क्लोरीन एग्जिस्ट नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन गैस, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, अगेन अगर आपको वैलेंसीज नहीं आइडिया तो आप प्लीज वीडियो 1 को देखिए। सोडियम का वैलेंसी 1, क्लोरीन का 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे पास सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा। अब एज पर द बेसिक केमिकल रिएक्शन सोडियम का 1 एटम था, क्लोरीन के 2 थे, राइट साइड पे तो सोडियम क्लोराइड 1-1 है, तो बैलेंस करने के लिए राइट साइड को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्लोरीन तो 2 हो गया, और राइट साइड पे भी क्लोरीन 2 है, लेफ्ट साइड पे भी क्लोरीन 2 है, बट प्रॉब्लम ये हो गया कि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे सोडियम 1 था, तो यहाँ पे सोडियम लेफ्ट साइड पे 1, राइट साइड पे 2, फिर बैलेंस खराब हो गया, तो फिर हमें लेफ्ट साइड पे भी सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारे लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स और राइट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स सेम रहे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। प्रोसीडिंग फर्दर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन वाटर, जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं इट्स अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें एनर्जी अब्सॉर्ब होती है रिजल्टिंग इन अ कूलिंग इफेक्ट। तो अब कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, अगर वैलेंसीज अगेन वीडियो 1 के अंदर आपको क्लैरिटी हो जाएगी ज्यादा, तो कैल्शियम ऑक्साइड ब्रेक्स to form calcium ions and this water will break to form hydroxide ions and hydrogen ion, but वो oxygen जो यहाँ से break हुआ वो hydroxide form करेगा। अब हमारे पास positive charges हैं और negative charges हैं। अब हमारे पास combine क्या होना है, हमें combine करने का जो concept है वो calcium ion combine होगा hydroxide ion के साथ। calcium ion का valency 2 है, hydroxide ion का valency 1 है, cross multiply करेंगे तो कैल्शियम के साथ तो 1 लगेगा, ये जो 2 है दोनों O और H के साथ लगेगा, सिर्फ O या सिर्फ H के साथ नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लिख देते हैं। जब आपका या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पे सॉर्ट ऑफ अ कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड है, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स की बात चल रही है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा के उसके
सफिक्स में यहाँ टू लिखेंगे, सिर्फ O के पैर में टू और हाइड्रोजन के पैर में टू नहीं, दोनों के कंबाइंड फॉर्म के सामने टू। सो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वॉटर, कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वॉटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कैसे क्रिएट किया, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गिवन द वैलेंसीज ऑफ बोथ द कंपाउंड्स। सो लाइम वॉटर, कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम भी कहते हैं, और यहाँ पे क्योंकि वॉटर में मिक्स हो गया इसको स्लेक लाइम कहते हैं या लाइम वॉटर भी कहते हैं। सो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वॉटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्रोसीडिंग फर्दर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि इसमें कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड आयंस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा। सो देखिए हमारे पास टू ऑक्सीजन है, टू हाइड्रोजन है, तो टू ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, ये वन ऑक्सीजन वन हाइड्रोजन, वन ऑक्सीजन वन हाइड्रोजन, ये आपस में स्प्लिट होंगे। ये हाइड्रोजन और OH मिलाकर टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि हमारा सिंपली एक वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। और हमारे पास क्या बचा, कैल्शियम का एटम बचा, ये ऑक्सीजन का एटम बचा और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी और कार्बोनेट बनाएगी, कार्बोनेट का वैलेंसी 2 होता है, कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, अगेन कॉमन फैक्टर अगर एग्जिस्ट करता तो उसको क्रॉस आउट करना पड़ता है, क्रॉस आउट करने के बाद 1-1 रह जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा CaCO3। अगेन आई रिपीट, कार्बन डाइऑक्साइड विल कंबाइन विद दिस ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म कार्बोनेट CO3, CO3 का वैलेंसी 2, कैल्शियम का वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन फैक्टर कट आउट करने के बाद तो हमारे पास 1-1 बचेगा, तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा और वाटर तो अलग से फॉर्म हो ही गया था। सो द केमिकल रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेक लाइम विद कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इन दिस सीरीज ऑफ केमिस्ट्री वी आर डीलिंग विद What are the basics of chemistry in class 9th, types of bondings, chemical reactions and various types of chemical reactions. So up to now we've covered, this is part 3 of the series. If you're interested in any one of the topics, please go and links of all the videos are given in the description below. And if you do like what we have to share, please in the end we would request to like, subscribe, share, comment and press the bell icon. Thank you and have a nice day. Good luck.